तूने शिव की महिमा? भगवान विष्णु सहित इंद्रादि सभी देवता जिनके बाराती बनकर आ रहे हैं, तेरी दृष्टि में वो निर्धन है। पिताश्री, यदि इस विषय पर हम विवाद ना करें तो ही अच्छा है। आप देखिए, ये सातों ऋषि भी मेरे जामाता है, ये धर्मदेव मेरे जामाता है, ऋतुराज भी मेरे जामाता है। आप इन ऋषियों के आश्रम देखिए, आप धर्मदेव का सम्मान देखिए, ऋतुराज का वैभव देखिए, और फिर कहिए इनमें से किसी की भी तुलना क्या ये आपका शिव कर सकता है? और वो देखिए उसकी दुष्टता। बारात में भी उसने अपनी बैल की सवारी नहीं छोड़ी। चुप रह। तेरे जितने भी जामाता हैं, ऐसे सहस्र और मिलकर भी एक शिव नहीं बन सकते। चल आगे बढ़ और आदरणीय बारातियों का स्वागत कर। हो जाते हैं दक्ष, जाकर जामाता शिव शंकर के चरण पखारो। दक्ष, तो अपना रूप बदल लीजिए और दूल्हा बन जाइए। Thank you.
दूर हुआ सोहा तत्सवितु वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिसे हम कन्यादान कहते हैं, श्रेष्ठ प्रजापति पुत्री गौरी का कन्यादान करेंगे। इसे दान इसलिए कहा गया है क्योंकि विवाह के पश्चात कन्या वर पक्ष की हो जाती है, पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता, क्योंकि दान की ही वस्तु पर दान देने वाले का कोई अधिकार नहीं रहता, इसीलिए इस विधि को कन्यादान कहते हैं। आइए प्रजापति दक्ष, कन्यादान की विधि पूरी कीजिए। विष्णवे नमः। ओम 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 विष्णवे नमः। प्रजापति दक्ष, जामाता को प्रणाम कीजिए। कन्यादान की विधि पूर्ण हुई, अब फेरों की विधि होगी। आप खड़े हो जाइए, आप गांठ बांधिए। बंधन कस के बांधना, कहीं ढीला न पड़ जाए। ये 7 फेरे होते हैं। आरंभ के 5 फेरों में पुत्री गौरी आगे रहेगी, उसके पश्चात देवाधिदेव महादेव आगे रहेंगे। आओ पुत्री। इस प्रकार 7 वचन भी भरे जाएंगे और तब ये सिद्ध हो जाएगा कि पत्नी पति की शक्ति होती है। जीवन के विभिन्न मार्गों में यदि पति के पग डगमगा जाएं, तो पत्नी को आगे बढ़कर मार्गदर्शन करने का पूरा अधिकार है। वो पति का अर्धांग होती है, इसलिए अर्धांगिनी कहलाती है। देवाधिदेव आगे रहेंगे। अब आप पति पत्नी हैं। वे अपने कक्ष में हैं और यहाँ आने से उन्होंने मना कर दिया है। क्या पिताश्री, आप चिंता ना करें, मैं जाके भ्राता दक्ष को लेकर आता हूँ। नहीं दादाजी, आप यहाँ रहिए, मुझे जाने दीजिए, ये मेरा कार्य है। कन्या विदा होते होते अपने पिता के चरणों में कुछ अश्रुओं के पुष्प ही तो चढ़ा सकती है, इसके अतिरिक्त और वो क्या दे सकती है। मैं पिताश्री को मना लूंगी।
पिताश्री, 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 पिताश्री। पिताश्री, ये क्या पिताश्री, जिसका मुख देखे बिना आपका प्रातःकाल आरंभ नहीं होता था। आप जहां जाते थे उसे साथ लेकर जाते थे, जिसे आपने अपने नेत्रों में सपनों की भांति संजो कर रखा था। आपकी वो लाडली पुत्री जो आपके हृदय की धड़कन थी, उसे विदा करने का समय आया तो आप उसका मुख भी देखना नहीं चाहते। आपने अपनी उसी पुत्री के मुख पर द्वार बंद कर दिए। क्यों पिताश्री, क्यों, क्यों? मत पूछ गौरी, तू इस समय मेरे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ सकती। मैं द्वार नहीं खोलूंगा, मैं तुझसे नहीं मिलूंगा। तू समझ ले कि तेरा पिता इस संसार को छोड़कर चला गया। पिताश्री, द्वार खोलिए पिताश्री, मत कीजिए मुझे विदा। किंतु जाने से पहले मुझे अपने चरण तो छू लेने दीजिए। आप जिसकी आंखों में अश्रु के एक बूंद भी नहीं देख सकते थे, उसका अश्रु से भरा ये मुखड़ा बस अंतिम बार ही देख लीजिए, मेरा मन शांत हो जाएगा पिताश्री, मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरा मन शांत हो जाएगा। चली जा गौरी, तू चली जा। इस समय मेरे हृदय में घृणा का एक ज्वालामुखी फूट रहा है और उसमें से केवल अपमान का लावा बह रहा है। ये सत्य है कि तेरे विदा होने के बाद मैं अपने ही अश्रुओं के सागर में डूब जाऊंगा, किंतु मैं तुझे अपने से छोटे असभ्य कवार व्यक्ति के साथ जाते हुए नहीं देख सकता। मैं अपने सम्मान की चिता को जलते हुए नहीं देख सकता। नहीं पिताश्री, नहीं, ऐसा मत कहिए पिताश्री, ऐसा मत कहिए। मैं सारे संसार का लांछन सह लूंगा, मुझे संसार का सबसे अधिक निष्ठुर पिता कहलाना स्वीकार है, किंतु अब मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा। पिताश्री, 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 द्वार खोलिए पिताश्री, खोलिए ना पिताश्री। कायश्री, गौरी, ऐसा होगा मैं जानता था गौरी। मैं तुझे तेरे पिता की संवेदना तो नहीं दे सकता, पर हूं तो तेरे पिता समान ही ना। चल गौरी, विदाई का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, लोग तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं दक्ष को भली भांति जानता हूं, ये द्वार नहीं खुलेगा पुत्री, ये द्वार नहीं खुलेगा। पिताश्री, पिताश्री, मैं जा रही हूं। मैं जान गई हूं कि मेरे भाग्य में विदा के समय आपके दर्शन करना नहीं है। बस एक विनती है, मैंने इधर द्वार पर अपना सिर रख दिया है, आप उधर द्वार पर अपना हाथ रख दीजिए पिताश्री। मैं समझूंगी
मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया। मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया पिताश्री। हाथ रख दीजिए पिताश्री। पिताश्री पिताश्री चल पुत्री, पुत्री चल, पुत्री चल, चल। कीजिएगा भ्राता दक्ष अचानक अस्वस्थ हो गए हैं, इसलिए मैं नारद भ्राता दक्ष का स्थान ग्रहण कर रहा हूं। हे भोलेनाथ, आपका स्थान सबसे ऊंचा और संबंध सबसे अधिक प्रिय है। यदि पुत्री गौरी से कोई भूल हो जाए तो अपने आप को श्रेष्ठ जानकर उसे क्षमा कर दीजिएगा। अपने पिता को क्षमा कर देना पुत्री, क्योंकि वे नहीं जानते कि कन्या के अक्षरों में कितनी शक्ति होती है। आज उनका अभिमान पराजित हो गया, उनका अहंकार चूर चूर होकर बिखर चुका है। अब उनके पास घृणा करने के लिए बचा ही क्या है? जा मेरी लाडली, जा अपना घर बसा, ससुराल जाकर अपनी मायके को ना भूल जाना। माँ, अपनी माता को मत भुलाना। अखंड सौभाग्यवती भवा। गौरी चल पुत्री, जाओ गौरी। आइए भोलेनाथ। तायाश्री, आपने सचमुच पिता का धर्म निभाया है, आपका ये ऋण रहा मुझ पर। पुत्री, तू मां के घर से प्रसन्नता और सुख के पुष्प लेकर जा, ऋण का बोझ नहीं।
देवी, देवी कब तक शोक मनाती रहोगी? पुत्री विदा हो गई, अब वो दुखी हो या सुखी हो इससे हमें क्या लेना देना? समाप्त करो इस शोक को, भूल जाओ गौरी को जिस प्रकार मैं उसे भूल चुका हूं। आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं, बड़े भी हैं और विद्वान भी हैं। मोह ममता आपको आडंबर लगता है, किंतु मैं तो माता हूं, केवल माता। जिस पुत्री को मैंने 9 मास अपनी कोख में रखा हो, मृत्यु से भी अधिक भयानक प्रसव पीड़ा सहकर उसे जन्म दिया, पाल पोस कर उसे बड़ा किया और फिर अपने आप से अलग कर दिया, क्या मैं उसे भूल सकती हूँ? क्या ये शोक का विषय नहीं है? देवी, आप अपने शोक में कुछ भूल रही हैं। क्या भूल रही हूँ? देवी, आप ये भूल रही हैं कि मैंने अपनी आयु की 60वीं सीढ़ी पर पग धर दी है और इस अवसर पर मेरी पुत्रियों ने, मेरे संबंधियों ने, मेरे शुभचिंतकों ने मुझे षष्ठी पूर्ति समारोह करने का सुझाव दिया है जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। अब मैं एक ऐसा समारोह करना चाहता हूं जो मुझे दक्ष प्रजापति को गरिमा और गौरव के शिखर पर बिठा दे और जो भी इस समारोह में सम्मिलित हो वो उसे कभी नहीं भुला पाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। उत्सव तो एक साधन होता है जिसमें शुभचिंतक और सगे संबंधी एकत्र होते हैं। आपने तो ऐसा समाचार सुनाया कि मेरा शोक ही दूर हो गया। यदि इस अवसर पर पुत्री गौरी भी आएगी तो? नहीं देवी, इस अवसर पर श्रेष्ठ लोग आएंगे, केवल श्रेष्ठ लोग। जो दक्ष प्रजापति की मान्यता के मापदंड पर खरे उतरेंगे वही श्रेष्ठ लोग। अब यदि आप शोक के सागर में डूब जाना चाहती हैं तो डूब जाइए। अपनी षष्ठी पूर्ति समारोह में मैं शिव को कदापि आमंत्रित नहीं करूंगा। निमंत्रण भेजने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है ना? जी प्रजापति, आपकी षष्ठी पूर्ति के अवसर पर ये निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। ध्यान रहे, सृष्टि का कोई भी विशेष व्यक्ति, चाहे वो देवता हो या गंधर्व, ऋषि हो या मानव, निमंत्रण से वंचित न रह जाए। जैसा आपका आदेश प्रजापति। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रहे, षष्ठी पूर्ति का ये निमंत्रण भूल से भी कैलाश नहीं भेजा जाएगा। क्या? हाँ, यही निर्णय किया है मैंने और मेरा ये अंतिम निर्णय। आप अपना निर्णय बदल दीजिए स्वामी। बेटी आप? हाँ स्वामी, गौरी आपकी सबसे प्रिय और लाडली पुत्री है। यदि आपने इस समारोह में भगवान शिव को नहीं बुलाया तो गौरी भी नहीं आएगी। मैं भी यही चाहता हूँ स्वामी। हाँ देवी, मेरे जीवन भर के स्नेह प्रेम और लाड़ प्यार का क्या मूल्य चुकाया उसने? मेरी सारी आकांक्षाओं के विपरीत, मेरे सम्मान और स्वाभिमान को अपने पैरों तले कुचलकर वो उस कपटी कंगाल शिव का हाथ पकड़कर चली गई। अरे विदाई के समय मैंने उसका मुख तक नहीं देखा, सारी मोहमाया को विष का घूंट समझकर मैं पी गया, अपने हृदय पर पाषाण रख लिया, अपने स्नेह और प्रेम की स्वयं मैंने हत्या कर दी। मैं तो ये भी भूल गया कि गौरी नाम की मेरी कोई पुत्री भी थी। आप उसे भूल तो सकते हैं किंतु इस सत्य को नहीं झुटला सकते कि गौरी आपकी पुत्री है। देवी, सत्य चाहे कुछ भी हो, मैं उसे भुला चुका हूं। और देवी, ये बात ध्यान से सुन लीजिए, आज के पश्चात इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। ये सत्य है कि गौरी मेरी सबसे प्रिय दुलारी पुत्री थी। ये तब तक था जब तक वो मेरी पुत्री थी। जिस दिन वो शिव की पत्नी बन गई वो मेरे लिए अपरिचिता हो गई। समझ गई देवी? सबको निमंत्रण पत्र
समय पर मिल जाने चाहिए। जी प्रजापति। अब आपको कैसे समझाऊं कि दिन में आंखें बंद कर लेने से रात्रि नहीं हो जाती। आप माने या ना माने, पुत्री तो पुत्री ही रहेगी। माते, प्रणाम। मैं दधीच हूं माते। बहुत दिनों के पश्चात मेरा कैलाश आना हुआ। देवाधिदेव महादेव तो समाधि में लीन है, किंतु मेरी इच्छा तो आपके चरण स्पर्श करने की थी, जो आज पूर्ण हो गई। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे चरण स्पर्श कर रहे हैं? आयु में, योग्यता में आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। तो क्या हुआ माते, आप मेरे आराध्य देव शिव की शक्ति हैं। आप नारी हैं, नारी मात्र स्वरूपा होती है और सृष्टि को मुझ जैसे अनेकों पुत्र प्रदान करती है, इसीलिए वो सबसे श्रेष्ठ है, आदरणीय है, पूजनीय है, महान है। माते, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे मुनिवर, जिस नाते से आपने मुझे प्रणाम किया है, उस नाते से मैं भी आपको हृदय से आशीष देती हूं। आज आपकी श्रद्धा देखकर एक नवीन विचार मेरे मन में आया है कि पूजनीय श्रेष्ठ की पत्नी बनना भी कितना सौभाग्यशाली होता है। देवाधिदेव महादेव वो तो महान है ही, उनकी पत्नी का स्थान पाकर मुझे भी कितना सम्मान मिल रहा है। कदाचित इसीलिए हर कन्या श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। माते, देवाधिदेव तो समाधि में है और आप परिस्थिति से अनजान हैं। आप अपने पिताश्री प्रजापति दक्ष के यहाँ कब जाएंगी? अपने पिताश्री के यहाँ मैं तभी जाऊंगी जब मेरे पति मुझे आज्ञा देंगे। क्या माते, अभी तक आपके पिताश्री का निमंत्रण पत्र आपको नहीं मिला? कैसा निमंत्रण पत्र मुनिवर? उनकी षष्ठ पूर्ति का निमंत्रण पत्र। वे आज 60 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने इस अवसर पर एक महायज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सृष्टि के सभी श्रेष्ठ देवों को आमंत्रित किया है। माते, आप तो उनकी पुत्री है और देवाधिदेव उनके जामाता। मुनिवर दादी जी, मुझे तो अब तक ऐसा कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त नहीं हुआ। वैसे ये मेरे लिए हर्ष की बात है कि पिताश्री 60 वर्ष के हो गए, वे स्वस्थ हैं, सकुशल हैं और इस अवसर पर एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। कदाचित उनका निमंत्रण पत्र आता ही होगा। वैसे कैलाश तक किसी का पहुंचना कोई सरल कार्य तो है नहीं। मैं वहीं जा रहा हूं माते, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं देवाधिदेव महादेव की समाधि तो भंग नहीं कर सकता, किंतु जब वो समाधि से बाहर आए तो मेरा सादा चरण स्पर्श उनसे अवश्य कहिएगा। मैं चलता हूं माते। हे मुनिवर, अब मैं आपसे किस मुख से कहूं कि जो सूचना मुझे आपसे प्राप्त हुई है उसका निमंत्रण मेरे पिताश्री यहां कभी नहीं भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे।
आपका कुशल मंगल तो है। मैंने सुना आज आपने भोजन भी नहीं किया। नहीं स्वामी, ऐसा तो कुछ भी नहीं। कुछ तो है दीदी। वो ऋषि दधीचि आए थे। अच्छा, वे तो हमारे बहुत ही प्रिय भक्तों में से हैं। हाँ, और इसी नाते उन्होंने मेरा भी बहुत सम्मान किया। पिताश्री के निमंत्रण पर वे उनके भवन गए हैं। आपके पिताश्री के निमंत्रण पर? हाँ स्वामी, पिताश्री अपनी षष्ठी पूर्ति के अवसर पर एक भव्य समारोह कर रहे हैं। अच्छा। हाँ देवाधिदेव, आप जानते हैं बाल्यकाल से ही जब भी पिताश्री की वर्षगांठ आती थी तो उन्हें सबसे पहले मैं ही जाकर बधाई देती थी। अभी विवाह से कुछ ही समय पहले उनकी वर्षगांठ आई थी और मैंने उनका अभिनंदन किया था। वे तो मेरे बिना इस समारोह का आयोजन करने की सोच भी नहीं सकते। स्वामी, वहां मेरी सारी बहनें आ चुकी होंगी। संभव है। और उनके साथ उनके पति भी आए होंगे। हाँ, यदि तुम्हारे पिताश्री ने उन्हें निमंत्रण दिया होगा तो अवश्य आए होंगे। स्वामी, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी पिताश्री के जन्मदिन पर जाकर उन्हें बधाई दूं और बाल्यकाल से चली आ रही इस परंपरा को टूटने ना दूं। आप चलेंगे मेरे साथ? मैं? हाँ, आप? देखिए दीदी, षष्ठी पूर्ति एक बड़ा समारोह होता है। इसमें आपके पिताश्री के समस्त मित्र, उनके सारे संबंधी निमंत्रण पाकर ही आए होंगे और हमारा बिना निमंत्रण पाए वहां जाना उचित नहीं होगा। देवी, नीति तो यह कहती है कि बिना निमंत्रण पाए अपने आराध्य के घर भी नहीं जाना चाहिए। सुनो, इस ओर ऋषि मुनि बैठेंगे, ये स्थान यक्षों और गंधर्वों के लिए है, और उस ओर मेरी आश्रित प्रजा बैठेगी। परंतु ये स्थान विशेष है, यहाँ केवल भगवान विष्णु, पिता श्री ब्रह्मा और मेरे जामाता ऋतुराज और सप्त ऋषिगण बैठेंगे। ध्यान रहे, यहाँ कोई और नहीं बैठेगा। और देवाधिदेव भगवान शिव और माता सती कहाँ विराजमान होंगे? आइए आइए अथर्वण पुत्र दधीचि, दक्ष के महल में आपका स्वागत है। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रजापति दक्ष, आप अभी तक भगवान शिव माता सती के स्थान को निश्चित नहीं कर पाए। कदाचित आपने उन्हें निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा। देखिए आदरणीय, मेरी विनती स्वीकार कर इस यज्ञ में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आप सबसे प्रथम आए, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। किंतु आप ये नहीं जानते कि शिव से विवाह करने के कारण मैंने पुत्री गौरी का त्याग कर दिया है। यहां तक मैंने उसे अपने हृदय से भी निकाल दिया है। क्या क्या कहा प्रजापति दक्ष? आपने माता सती का त्याग कर दिया? एक बूंद ये कहे कि उसने मेघों का त्याग कर दिया, क्या यह संभव है? एक पक्षी ये कहे कि उसने आकाश का त्याग कर दिया, इसका क्या अर्थ हुआ? यज्ञोदानम तपस्यवा पावनानी मनीषिणाम, जिसके मन में पाप है वो यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। आप लाख बार भी माता सती का त्याग कर दें तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु यदि एक बार माता सती ने आपका त्याग कर दिया तो आपको पूरी सृष्टि में कहीं शरण नहीं मिलेगी। अरे ये तो उपकार है उनका, जो आपके यहाँ जन्म लेकर उन्होंने आपको गौरव प्रदान किया। उपकार है भगवान शिव का, जिन्होंने आपका जामाता बनकर आपको सम्मान दिया। और आप ये कह रहे हैं कि आपने उनका त्याग कर दिया? प्रजापति दक्ष, अपनी भूल सुधारिए और शीघ्र अतिशीघ्र पवन दूत द्वारा उन्हें निमंत्रण भेजिए। क्षमा करिए मुनिवर, ये संभव नहीं है। यदि यह संभव नहीं तो इस यज्ञ की सफलता भी संभव नहीं। आप यज्ञ करने जा रहे हैं और यज्ञ में ब्रह्म का निवास होता है। आप इतना बड़ा पुण्य कार्य करने जा रहे हैं
किंतु आपके मन में इतनी मलिनता भरी हुई है, इतना पाप पल रहा है। आपका कल्याण इसी में है, शीघ्र अति शीघ्र अपनी भूल सुधारिए। घृणा से नहीं, प्रेम से काम लीजिए। मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करता हूं कि उन्हें निमंत्रण पत्रिका भिजवाइए। नहीं मुनिवर, आप कृपया ये हट छोड़ दें। प्रजापति दक्ष, अपना हट छोड़ने से क्या अच्छा नहीं कि मैं ये मंडप ही छोड़ दूं? आपने मुझे जो उत्तरदायित्व दिया था, मैं उससे मुक्त हो रहा हूं। मैं जा रहा हूं। जिस यज्ञ में मेरे आराध्य देव भगवान शिव अपनी सहधर्मिणी माता सती के साथ उपस्थित न हो, वहां मेरी क्या आवश्यकता? अब आप अपने अमंगल की प्रतीक्षा करें, प्रजापति दक्ष। अमंगल? नदी विपरीत दिशा में बहने लगे ये संभव है, चंद्रमा से आग बरसने लगे ये संभव है, सारे असंभव संभव हो जाएं ये भी संभव है, किंतु रूप गुण और संस्कार से ही शिव को मैं आमंत्रित करूं ये असंभव है, ये असंभव है। देवी, आपकी बात ना मानकर मुझे दुख तो हो रहा है। या स्वयं लौटाऊंगे। जैसा भगवती परमेश्वरी का मन, जैसी नियति की इच्छा। पधारिये पद्मनाभ, आइए विराजे। निमंत्रण स्वीकार करके आप सब यहां पधारे, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कृपया हवन आरंभ कीजिए। दक्ष पुत्र, क्या सभी अतिथिगण पधार चुके हैं? हाँ पिताश्री, जिन जिन को निमंत्रण भेजे गए थे वे सभी आ गए। पिताश्री, अखंड सौभाग्यवती भवा, आयुष्मती भवा। पुत्री, कुशल से तो हो? जी दादाश्री। तुम अकेली आई हो? जामाता शिव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पिताश्री, उन्हें निमंत्रण देना भूल गए। मैं तो पुत्री हूं ना, बिना निमंत्रण के ही चली आई। क्या प्रणाम? श्री, मुझे बचपन से आज तक स्मरण नहीं कि आपकी वर्षगांठ की बधाई सर्वप्रथम मैंने न दी हो। विवाह के पश्चात यह अवसर फिर आया और मैं उस परंपरा का निर्वाह करने यहां आ गई। आपको षष्ठी पूर्ति की बधाई हो पिताश्री। पिताश्री, मैं ये मानती हूं कि आप अपने जामाता, मेरे पति देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को निमंत्रण पत्र का भेजना भूल गए। ये सत्य है ना पिताश्री? यज्ञ स्थल पर इस सभा मंडप के बीच यदि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूं तो तुम्हारे हृदय को पीड़ा पहुंचेगी। और कोई भी पिता अपनी पुत्री का हृदय नहीं दुखा सकता। चलिए, ना दीजिए मेरे प्रश्न का उत्तर, किंतु मुझे वो स्थान तो बता दीजिए जो आपने अपने जामाता और अपनी पुत्री के लिए निश्चित कर रखा है। स्थान? कैसा स्थान? स्थान तो उन लोगों को दिया जाता है जो स्थान के योग्य होते हैं। पिताश्री, आपने उन्हें अपनी कन्या दी है,
यदि आप उन्हें अपनी कन्या ना भी देते तब भी उनका स्थान सदैव ऊंचा होता, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। और मेरे इस तर्क का विरोध इस सभा में उपस्थित ना तो मेरे पितामह आदि प्रजापति श्री ब्रह्मा जी कर सकते हैं और ना ही सृष्टि के पालन करता त्रिलोकीनाथ श्री भगवान विष्णु। ये समारोह मेरा है, इस यज्ञ का आयोजन मैंने किया है, ये मुझ पर निर्भर करता है मैं यहाँ किसे बुलाऊं और किसे ना बुलाऊं। चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाकर देख लो, तुम्हें यहाँ केवल देवी देवता ऋषि मुनि यक्ष और गंधर्व दिखाई देंगे, सत्य है? पिताश्री, आपने ये कहा कि ये यज्ञ आपका है, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे बुलाएं और किसे ना बुलाएं। किंतु आप भूल गए पिताश्री कि आपने देवाधिदेव भगवान श्री शिव के हाथों कन्यादान किया है और कन्यादान करते समय आपने जीवन भर इस संबंध की मर्यादा का पालन करने का वचन दिया है और वचन दिया भी है, आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते पिताश्री। रहे संसार की श्रेष्ठ व्यक्ति तो मैं इन सबसे एक स्वर में पूछती हूँ कि मेरे देवाधिदेव भगवान शिव इन्हीं के समान श्रेष्ठ है या नहीं? सुना आपने पिताश्री, मैं अपने पति से हट करके उनकी अनुमति लेकर यहाँ आई हूँ। मुझे विश्वास था यहाँ इस यज्ञ मंडप में आपने अपने जामाता के लिए स्थान सुरक्षित रखा होगा, किंतु आप पिता की मर्यादा भूल गए, ससुर की मर्यादा भूल गए, प्रजापति होने की मर्यादा भी भूल गए। क्या कोई श्रेष्ठ प्रजापति अपनी पुत्री से ऐसा व्यवहार कर सकता है? पुत्री? कैसी पुत्री? जिसने अपने पिता की मान मर्यादा को धूल में मिला दिया, जिसने सारे संसार के सामने अपने पिता का सर लज्जा से झुका दिया, जिसने लाख मना करने पर भी उस निम्न कोटि के अभद्र अशिष्ट दरिद्र शिव से बस चुप हो जाइए पिताश्री, चुप हो जाइए। आपने पिता की मर्यादा को कलंकित किया है, आपने मेरे पति के लिए अत्यंत घृणित शब्दों का प्रयोग किया है। मेरे पति यहाँ उपस्थित नहीं है, किंतु विवाह के पश्चात यदि पुत्री अपने मायके आती है तो अपने ससुराल की प्रतिनिधि बनकर आती है, अपने पति के सम्मान की सुरक्षा का कवच बनकर आती है। आज आपको अपना पिता कहते हुए भी मुझे लज्जा आ रही है। यदि मैं ये कहूं कि आज से मैं आपकी पुत्री नहीं तो भी मेरा ये शरीर ये सत्य दोहराता रहेगा कि मैं आपकी पुत्री हूं, क्योंकि ये शरीर आपकी ही देन है पिताश्री। और जब तक मेरा ये शरीर रहेगा आपसे मेरा संबंध भी बना रहेगा, इसलिए आज से पिता पुत्री के संबंधों का विच्छेद करते हुए आज मैं अपना ये शरीर अपनी ये देह समाप्त करने जा रही हूँ। नहीं पुत्री, नहीं, नहीं। आप कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये निर्णय की घड़ी है। आज संसार इस बात का साक्षी है कि शिव की पत्नी शिव की अर्धांगिनी सती अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए आत्मदाह कर रही है। कर रही माँ? पुत्री, हे अग्नि, मुझे नहीं चाहिए वो देह जिसे दक्ष की पुत्री के रूप में जाना जाता है। भस्म कर दे इस देह को, जला दे इस शरीर को, समाप्त कर दे दक्ष से उसकी पुत्री सती का संबंध। आज सती अपने पति के सम्मान के लिए
अपने प्राणों की आहुति देगी। इस यज्ञ मंडप में, इस हवन कुंड में पहली आहुति मेरी होगी। Thank you.
रक्षा करें मां, हमारी रक्षा करें। वीरभद्र, जाकर विध्वंस कर डालो उस यज्ञ को। दक्ष का अहंकार हमारा विरोध है और हमारा विरोध उसका विनाश। और जो कोई भी तुम्हारे विध्वंस कार्य में बाधा पहुंचाए उसका भी सर्वनाश करने में संकोच मत करना। आज विनाश लिया का वो नृत्य दिखाना कि वहां कोई भी शिव शक्ति विरोधी जीवित न रह पाए। आज जो घटना घटी है, जो अनर्थ यहां हुआ है, वो धर्म के विरुद्ध हुआ है, इसलिए मुझे क्षमा करें। मैं धर्मदेव आपकी पुत्री तथा अपनी पत्नी को लेकर तुरंत यहां से जा रहा हूं। चलिए। क्षमा करें पिताश्री, इस अनर्थ के बाद हम भी यहां नहीं रुक पाएंगे। चलिए देवी। प्रजापति दक्ष, पिता अपने संतान का जन्मदाता होता है, जो अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी संतान की रक्षा करता है। किंतु आज वही पिता अपनी झूठी प्रतिष्ठा और अनादर पूर्ण श्रेष्ठता के कारण अपनी संतान का हत्यारा बन गया। मेरी प्रिय पुत्री गौरी, मेरी सती, तुम क्यों गई? चलना था तो इनकी श्रेष्ठता को, इनके अहंकार को, इस व्यर्थ के ढोंग को। प्रजापति दास, वीरभद्र समेत भगवान श्री चंद्र के गण हमारे नगर पर टूट पड़े हैं। हमारी सेना केले के वृक्ष की भांति कट रही है। कुछ कीजिए प्रजापति, नहीं तो आपकी ये नगरी जलकर भस्म हो जाएगी। ये सब यही आ रहे हैं। हम उनका सामना यही करेंगे। सैनिकों, सारी महिलाओं को सुरक्षा पूर्वक भवन में ले जाओ। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। अब हमारी भी इच्छा है कि मेरा भी कोई वध करते। इस महान विनाश के पश्चात अभी जीवन में क्या करना? व्यर्थ का विवाद मत कीजिए देवी। सैनिकों को तुमने सुना नहीं, ले जाओ इन्हें।
माता के हत्यारे, तुमने ऐसा अपराध किया है जिसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। तुमने साक्षात भवानी को अपनी पुत्री के रूप में पाया था और अपने झूठे अहंकार में आकर उसे खो दिया। जब तक काल तुम्हारे साथ था तुम सुरक्षित थे, अब तो काल भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे वध का आदेश स्वयं महाकाल ने मुझे दिया है। दक्ष, आज तुम ही नहीं तुम्हारा अहंकार भी मेरे चरणों में घुटनों के बल गिरा पड़ा है। नियमानुसार तुम्हारा वध करना उचित नहीं है, परंतु तुम इतने नीच हो कि तुम्हारा वध करना पाप नहीं पुण्य है। Thank you.
ये आपने क्या किया देवी? आपने तो वचन दिया था कि आप स्वयं लौट आएंगे या मुझे बुला लेंगे। आपने कैलाश छोड़ा, आपने मेरा हृदय छोड़ा, किंतु संसार छोड़ने की बात तो हमारे बीच में कभी हुई नहीं थी देवी। आपने अपने पति के सम्मान को अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान बना दिया और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपको जो मेरे लिए करना था वो तो आपने कर लिया देवी, किंतु अब मैं क्या करूं? अब मेरे वश में रह ही क्या गया है देवी? महादेवी, अब इसके पश्चात जब तक ये शिव रहेगा आप इसी प्रकार उसकी बाहों में रहेंगी। आपके त्याग, आपकी श्रद्धा को यही मेरी श्रद्धांजलि है। और इसके अतिरिक्त मैं दो भी कह सकता हूं, महादेवी जब आपके पिताश्री ने मुझे निर्धन कहा था तब मैं निर्धन नहीं था, किंतु आज ये शिव अपनी शक्ति के बिना निर्धन हो गया है देवी, और मेरी बाहों में जो शेष है उसे मैं सदा अपने समीप रखूंगा, उसका कभी त्याग नहीं करूंगा। चलिए देवी, मैं इस वातावरण से आपको दूर ले जाता हूं, चलिए मेरे साथ।
अर्धांगिनी के वियोगी बने, भस्म शमशान की बन गए वे स्वयं, भस्म शमशान की बन गए वे स्वयं, जोग कंपित हुआ ऐसे जोगी बने। परमेश्वरी, विष्णु लोक में आपका स्वागत है। मैं विष्णु प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आज्ञा दीजिए, आपने कैसे कष्ट किया? हे देवी, मैं तुम्हारे द्वारा भगवान श्री विष्णु के मन में यह विचार देने आई हूँ कि उन्हें थोड़ी देर के लिए अपनी योग निद्रा तोड़नी होगी और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की ओर देखना होगा। हे आदिशक्ति परमेश्वरी, सती का इस प्रकार अंत एवं देवाधिदेव महादेव की स्थिति देखकर मुझे भी रोमांच हो रहा है। हे देवी, मैं भी यही कहने आई हूँ कि आप पद्मनाभ को जगाइए और उनसे कहिए कि वे भगवान शिव से गौरी की मृतदेह को अलग करने का उपाय करें। जैसी आपकी आज्ञा आदिशक्ति परमेश्वरी। देवी, मैं इस स्थिति से बचना चाहता था, किंतु अब भगवान शिव के लिए मुझे अपनी भूमिका निभानी ही होगी। शक्ति तो शक्ति होती है, साकार भी होती है, निराकार भी होती है, पर तुम्हें बड़ी सतर्कता के साथ भगवान शिव की बाहों से शक्ति के कई भाग करने हैं, वो भी इस प्रकार कि भगवान शिव को उसका आभास तक ना हो। Thank you.
देवाधिदेव, जिस मनस्थिति में आप हैं, मैं साहस नहीं कर पा रहा हूं कि अपने हृदय की बात आपसे कह सकूं। हे आदि प्रजापति, होनी होकर रही और आपका यहां पधारना भी उसी होनी का एक अंग है। लोग मुझे मंगल कारक कहते हैं, किंतु पीड़ा के इन क्षणों में मैं किसी के हृदय की बात ना सुनूं, ऐसा हो नहीं सकता। हे ब्रह्मा जी, आपके मन में जो कुछ है आप निसंकोच कहिए। हे देवाधिदेव, आदि प्रजापति इस समय आपसे कुछ कहने आए हैं, कुछ मांगने आए हैं। इन्हें भय है कि संसार इन्हें कहीं स्वार्थी न कह दे। नहीं पद्मनाभ, हम त्रिमूर्तियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए लोक कल्याण करना छोड़ दे। आपने भी तो देवी शक्ति के कई भाग करके उनकी देह को मेरी बाहों से मुक्त किया था। मैं आपका विरोध कर भी सकता था, परंतु मुझे ज्ञात था कि कार्य आपने किसी न किसी लोक कल्याण हेतु ही किया है, क्योंकि मैं स्वयं देवी शक्ति की देह का त्याग नहीं कर सकता था। ब्रह्मा जी, आपके मन में जो कुछ है आप निसंकोच कहिए। देवाधिदेव, मैंने अपने पुत्र दक्ष को पुनर्जीवन का आश्वासन दिया था, यद्यपि वह तनिक भी क्षमा के योग्य नहीं है, तथापि यदि मेरे वचन की लाज रह जाए तो। हाँ, क्यों नहीं, कहां उनके प्राण। देवाधिदेव, आपकी क्रोध से भीची हुई मुट्ठी में है उसके प्राण।